एक बार फिर से खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी पांचाल आपके साथ हाजिर हूं और नवरात्रा का दूसरा दिन है। आज हम माता के दूसरे स्वरूप यानी कि प्रमुख स्वरूपों में वह स्वरूप जो कि नवरात्रा के दूसरे दिन पूजी जाती है उनकी महिमा के बारे में जानते हैं। नवरात्रा के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता और एक बार जिस चीज का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में खास बातें, पूजा विधि और भोग साथ ही मंत्र। ऐसा है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। जी हाँ, ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इनका जन्म, इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्ट दल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी का तप की देवी के नाम से जानी जाती है। उनकी तपस्या से संबंधित एक कथा भी है। हजारों वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार व्रत किया और महादेव को प्रसन्न किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ दुर्गा की उपासना करें और इनकी पूजा में पीले या फिर सफेद वस्त्र पहनें। माँ को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, वंदन, मिश्री, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को अरुहल का फूल और कमल का फूल बेहद प्रिय है। अगर संभव हो तो इनकी माला या फिर ये फूल माँ को अर्पित करें। मन ही मन माता के जयकारे या भजन गाते रहे। इसके बाद माँ को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय है, इसीलिए इनका भी भोग लगाएं। फिर घी व कपूर से बने दीपक से देवी माता के साथ साथ कलश की भी आरती उतारें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र या दुर्गा सप्तदशी का पाठ करें। पूरे भक्ति भावना से माँ की पूजा करें और जयकारे लगाएं। इससे माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिवस पर दूसरे स्वरूप में पूजे जाने वाली ब्रह्मचारिणी देवी माँ की हमने महिमा जानी, पूरी कथा जानी। इसी के साथ आगे भी खबर 24 न्यूज बना रहेगा आपके साथ और 9 दिनों में 9 स्वरूपों के बारे में पूरी जानकारी देगा, पूरी महिमाएं बताते रहेगा।